अच्छा द रिलेशन फॉर थीटा स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा यू कैन राइट साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू टैन थीटा एंड व्हेन थीटा इज स्मॉल कॉस थीटा बिकम्स वन. ठीक है, थीटा स्मॉल होने से साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है और कॉस थीटा स्मॉल होता है. कैसे, थोड़ा सीख लेते हैं जल्दी से. मान लो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसका वर्टेक्स का एंगल बहुत छोटा है. तो यहां पर नीचे ये एसर्टेन करना मुश्किल हो जाता है कि ये राइट एंगल है या ये राइट एंगल, दोनों ही लग रहा है. मान लो इसमें से कोई भी एक राइट एंगल हम लोग ले लेते हैं और ये वाला जो एंगल है ये एंगल को हम लोग रेफरेंस एंगल क्या लेता है, थीटा. तो अगर हम यहाँ पर मार्क करें ए बी सी तो बता सकते हो कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज होगा. ए सी जो थीटा होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है ना, थीटा का ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है ना. अगर ये थीटा है तो उसका ऑपोजिट वाला साइड ये है ना. क्या आया ट्रिगनोमेट्रिक हो जाए. अच्छा अब आप बेस कौन सा बताओ, अब मुझे बताओ जब ऐसे छोटा सा एंगल है और यहाँ पर ये वाला पोर्शन छोटा है, अगर इस पोर्शन को मैंने जो बेस है और ये वाला स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस है, तब रेडियस डिस्प्लेसमेंट और थीटा कैसे रिलेट होता है, एस इक्वल टू आर थीटा, राइट. सो थीटा इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर s क्या है और r क्या है, b या h कोई भी डाल दो. तो देखो ये भी इन लोगों से इक्वल हुआ ना, सो दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा. ये r टू मतलब r टू b कोई भी एक हां राइट. हां इफ नो इट इज बी सी राइट राइट इट्स नियरली इक्वल मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, शायद थोड़ा सा फर्क हो जाए लेकिन जब हम लोग मेजर करने जाएंगे. अच्छा ये थीटा स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा कितना डिग्री से लेस, लेस देन कितना डिग्री, लेस देन 4 डिग्री. हाँ अगर ये लेस देन 4 डिग्री है तभी ये कांसेप्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है. हाँ ठीक है, सी यू कैन यूज दिस अप टू 5 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री के लिए हम लोग ये वाला कांसेप्ट यूज कर सकते हैं. समझ में आया. हाँ तो ये ले लिया, लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिख दो फास्ट.